हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार। तो मैं हाजिर चुका हूँ एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को थ्री फिंगर क्लॉ का एक बहुत ही अमेजिंग सा लेआउट दूंगा, जिसमें कि आप ये पीक फायर प्लस मूवमेंट ये सारी चीज़ें एक साथ कर पाओगे। और साथ ही साथ जो आपके रिफ्लेक्स होंगे उस थ्री फिंगर के लेआउट पे, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट होंगे। और उस लेआउट की सबसे अच्छी बात ये होगी कि उस पर आप एक बहुत ही परफेक्ट ग्रेनेड थ्रो कर पाओगे, तो बहुत ही अमेजिंग होगा ये लेआउट। और इस लेआउट के मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग उसकी बेसिक सेटिंग, सेंसिटिविटी, और साथ ही साथ मैं आपको उसका कंट्रोल कोड भी दूंगा, जिससे कि अगर आपको वो लेआउट पसंद आता हो तो फिर आप उसको तुरंत एक सेकेंड में बना लो। तो चलो यार, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आपको उस थ्री फिंगर के लेआउट को दिखा देता हूँ। तो देवी और सज्जनों, पेश करते हैं आपके सामने थ्री फिंगर का एक बहुत ही अमेजिंग सा लेआउट। तो जी हाँ, ये रहा वो थ्री फिंगर का लेआउट। अब इसको देख लो, इसको मैंने प्रॉपर ऐसे कुछ बनाया हुआ है, और इसको मैं आपको जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ, कस्टमाइज बटन में भी जाके दिखा देता हूँ आपको। तो फिर आपको यहाँ पे पूरे बटन्स दिखाई देंगे कि कौन से बटन्स कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही फायर बटन यूज़ किया है, इसको मैंने डिसेबल कर दिया, बट अगर आप चाहते हो इसको यूज़ करना तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ से अनहाइड करके इसको आप यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको हाइड करता हूँ। और बाकी आपको मैं इस लेआउट के फीचर्स दिखा देता हूँ। तो फीचर्स ये हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो गन के डॉक्स हैं, इनको मैंने ऊपर और नीचे करके रखा है ताकि आपको गन स्विच करने में दिक्कत ना हो, फटाफट आप गन स्विच कर लो। और फिर आप एक चीज़ ये भी नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो ग्रेनेड को कैंसिल करने का बटन है ना, उसको मैंने जो स्कोपिंग बटन है उसके ऊपर रखा है, क्योंकि होता क्या है, जब आप ग्रेनेड का पिन खींचते हो तो फिर आपको स्कोपिंग बटन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर इस ये कहीं और जगह ना ले, इसको मैंने इसी के ऊपर प्लेस कर दिया है, ग्रेनेड को कैंसिल करने का बटन। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और फिर जो लोग FPP बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे FPP बटन का रख दिया है, और जो लोग बार बार स्कोप बदलते हैं उनके लिए यहाँ पे स्कोप बटन है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ है आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो ये वाला क्लाइंब वाला बटन है, इसको मैंने यहाँ पे करके रखा है, क्योंकि इधर की तरफ कोई जगह नहीं बच रहा था, तो फिर इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। क्योंकि जब आप किसी जगह पे क्लाइंब करने जाते हो तो फिर वहाँ पे आप थोड़ी एक या कुछ मिली सेकेंड के लिए रुकते ज़रूर हो, तो फिर इसको मैंने इसलिए लेफ्ट है लेफ्ट है क्या बोलते हैं यार, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा है इसको, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसी है। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इस लेआउट को देख लिया, तो फिर यहीं पे वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर नहीं यार रुको, मैं आपको इस लेआउट का कोड दूंगा। अगर आपको ये लेआउट पसंद आया हो तो फिर मैं आपको आगे इस वीडियो में इस लेआउट का कोड दूंगा, जिससे कि आप इस लेआउट को फटाक से एक सेकेंड में बना लोगे। ऐसे अगर आप बनाते हो तो फिर 10 मिनट भी लग जाएंगे, लेकिन आपसे प्रॉपर बन नहीं पाएगा। तो फिर मैं आपको इस लेआउट का कोड वीडियो में कहीं दे दूंगा, तो फिर आप उसको कॉपी करके फटाक से इस लेआउट को बना सकते हो। फिलहाल अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और मैं बताता हूँ आपको इस लेआउट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो जो पहला एडवांटेज है इस लेआउट का, वो ये है कि इस लेआउट पे मेरे हिसाब से आप काफ़ी सारी फैंसी मूवमेंट कर सकते हो। जैसे कि आजकल ये वाला जो मूवमेंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। ऐसे फायर करते टाइम आप ऐसे FPP स्विच कर लो, फिर TPP पे आ जाओ, फिर ऐसे फायर करते टाइम आप ऐसे FPP स्विच कर लो, फिर TPP पे आ जाओ। तो ये जो कुछ फैंसी मूवमेंट है, और ऐसा नहीं कि ये फैंसी मूवमेंट हेल्पफुल नहीं होते, बिल्कुल हेल्पफुल होती है क्लोज रेंज में। तो फिर ऐसे ही आप फैंसी मूवमेंट को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो इस लेआउट में। और फिर एक ये भी जो फैंसी मूवमेंट है, इसको भी आप चाहो तो इस लेआउट में कर सकते हो, ऐसे लेफ्ट राइट पिक करके मार सकते हो, जो कि असॉल्टिंग में तो बहुत ज़्यादा काम नहीं आती, लेकिन अगर आप एक स्नाइपर यूज़ करते हो तो फिर वैसे में काम ज़रूर आती है, क्योंकि आप चाहोगे कि आप नहीं चाहोगे कि आपका जो हेड हो कोई सामने वाला बंदा खोले, तो फिर आपको कॉन्स्टेंटली अपने हेड को ऐसे ऐसे घुमाना रहता है ताकि कोई बंदा आप पे एम ना ले ले। तो फिर वहाँ पर ये ऐसे जिगल पिक काम आती है। और जो दूसरा एडवांटेज है इस लेआउट का, वो ये है कि अगर आप नेट फेंकते हो, कहीं अगर आपको दूर नेट फेंकना पड़ता होगा ऐसे करके, तो फिर आपको नेट की ट्रेजेक्ट्री नहीं पता चलती होगी कि आपकी आपका नेट जा कहाँ पर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पुल किया, मेरे को नहीं पता चल रहा कि मेरा नेट कहाँ पर जाएगा। तो उस सिचुएशन में इस लेआउट में एक ऑप्शन है, वो है आई बटन को यूज़ करके ग्रेनेड फेंकने का ऑप्शन। इसमें क्या कर सकते हो आप, ये वाला जो फायर बटन है, इसे आप ग्रेनेड का पिन खींच के आई बटन का यूज़ करके आप जहाँ पे भी चाहो एक परफेक्ट ग्रेनेड कर सकते हो। देखो, इसमें आपको ग्रेनेड की ट्रेजेक्टरी बिल्कुल पता चलेगी कि आपका ग्रेनेड कहाँ पे लैंड करने वाला है। तो फिर इस आई बटन का यूज़ करके आप ग्रेनेड फेंक सकते हो। तो ये इस लेआउट की ना एक बहुत ही यूनिक बात है कि इसमें आप एक अच्छी खासी प्रिसीजनल ग्रेनेड कर सकते हो।
बात करते हैं अब इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज मैं बोलूंगा कि इसमें जो क्लोज रेंज की फाइट है ना, मतलब अब क्लोज रेंज मेरा मतलब ये 4-5 मीटर के क्लोज रेंज का फाइट नहीं, इतने दूरी के क्लोज रेंज का फाइट, मतलब बिल्कुल ही बंदा आपसे चिपक के खड़ा हो, 1 मीटर या फिर 1 मीटर से कम के क्लोज रेंज का फाइट, इसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। क्योंकि ये वाला जो फायर बटन होता है ना, इसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको आप प्रेस करके आप ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकते हो। तो फिर अगर आपको बंदा इतनी क्लोज रेंज में अगर आपको आ जाता है, अचानक से पॉप हो जाता है, तो फिर आप अपने फ़ोन को मैक्सिमम 90 डिग्री तक ऐसे घुमा पाओगे, फिर उसके बाद क्या है, आपकी जो रिस्ट है वो लॉक हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पे ऐसे फायर बटन से अपनी उंगली को छोड़ के फिर ऐसे घूम के दोबारा री एम करना पड़ेगा, फिर उसको आप मारोगे, तो इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर इसलिए ये वाला फायर बटन होता है ना, ये इतने दूरी के क्लोज रेंज के फायर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप ये वाला बटन अगर आप यूज़ करना चाहते हो, जिसको कि मैंने हाइड कर रखा है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग इस लेआउट पर कहीं प्लेस करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर फिलहाल मैं इसको यहीं पर रखता हूँ, क्योंकि ये लेआउट ही ऐसा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज, अब ये नहीं कि ये आपको मतलब बिल्कुल हरा ही देगा, नहीं, बहुत छोटा सा डिसएडवांटेज, जो कि प्रैक्टिस करोगे तो आप इतनी दूरी के क्लोज रेंज का फाइट भी आप इस बटन से ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो फिर अगर आपको ये लेआउट पसंद आया, तो फिर मैं इसके अकॉर्डिंग इसकी बेसिक सेटिंग्स को दिखा देता हूँ। तो ये इसकी बेसिक सेटिंग्स कुछ इस प्रकार से हैं, जो यहाँ पे स्कोप मोड है ये आपका टैप पे रहेगा, बाकी सारी चीज़ें इधर सब सेम रहेंगी। उसके बाद से ये जो लीन मोड में है, ये जो है ये आपका टैप पे रहेगा, और पीक एंड ओपन स्कोप जो है ये आपका इनेबल रहेगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप एक बार अगर पीक बटन दबाते हो तो फिर तुरंत आपका पीक भी हो जाए आपका प्लेयर, और स्कोप भी खुल जाए उसका, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप ये होता है कि आप अगर आप पीक करते हो तो आप स्कोप खोलते ही खोलते हो, तो फिर वो काम एक साथ हो जाए, ताकि आपका जो काम हो वो और फास्ट हो, इसलिए मैंने उसको इनेबल कर रखा है पीक एंड ओपन स्कोप को। और इसके बाद से मैं और भी जो बेसिक सेटिंग्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवांस कंट्रोल में ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें कुछ चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अभी मैं आपको इस 3 फिंगर के लेआउट के अकॉर्डिंग इसकी सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ। तो जी हाँ, ये रहा 3 फिंगर की सेंसिटिविटी। फिर मैं आपको जायरोस्कोप को भी दिखा देता हूँ, ये जायरोस्कोप का रहा। फिर उसके बाद से ये ADS जायरोस्कोप की सेटिंग्स, तो इसको आप कॉपी कर सकते हो। तो वक्त आ चुका है कि अभी मैं आपको इस लेआउट का कंट्रोल कोड दे दूं। तो जी हाँ, ये रहा इसका कंट्रोल कोड, इसको आप कॉपी कर लो। बट हो सकता है कि वीडियो अपलोड करने के एक हफ्ते या फिर कुछ दिन बाद ये कंट्रोल कोड काम ना करे, तो फिर आप मेरे से एक फ्रेश कंट्रोल कोड लेने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको फ्रेश कंट्रोल कोड दे दूंगा। 3-4 दिन में सबको मैं रिप्लाई दे देता हूँ, तो फिर पैनिक मत हो, वहाँ पे आके मांग सकते हो बिल्कुल, वहाँ पे मैं आपको इस लेआउट का एक बिल्कुल ही फ्रेश कंट्रोल कोड दे दूंगा। तो बस यार, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो यार डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। 20 लाइक का एम रखता है, सिर्फ मेरे को 20 लाइक चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो फिर 20 लाइक करा दो। और सब्सक्राइब करो चैनल को, नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबा के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दो। तो चलो बस, मैं चलता हूँ, बाय बाय।